तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोरेमोन और कुछ कार्टून्स के फैक्ट्स के बारे में। कार्टून जैसे कि ऑगिया एंड द कॉकरोचेस, और मैंने इस वीडियो का काम शुरू किया था इस वीडियो से पहले, लेकिन ये वाला वीडियो पहले आ गया इस वीडियो से पहले, तो आप लोग समझ सकते हो कि डोरेमोन के फैक्ट्स सुनना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे स्पंजबॉब स्क्वायरपेंस के बारे में। तो क्या आप लोगों ने आज तक स्पंजबॉब को गुस्सा करते हुए देखा है? शायद नहीं, क्योंकि ये है ही इतना ज्यादा शांत। लेकिन कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा ही ना। वही तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि स्पंजबॉब कितना गुस्सा कर रहा है। तो देखा स्पंजबॉब कैसे गुस्सा कर रहा है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस की। तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस का जो एपिसोड था जिसमें ऑगी और बाकी सब इंडिया में आए थे, उस एपिसोड में जब ऑगी, ओली और जैक सब्जी मंडी में गए थे, तब वहां पर ऊपर हमें श्री गणेश दिखते हैं। मतलब कितनी डिटेलिंग से यह एपिसोड बनाया है, एक एक डिटेल का ध्यान रखा गया है। और एक एपिसोड में हमें चौथा ऑगी दिखाया गया था, लेकिन जब ऑगी चौथा था उसी समय जोई यानी जपलू भी वहाँ पर था, लेकिन वो चौथा नहीं था। तो अगर ऑगी चौथा था तो जपलू क्यों बड़ा था, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अब डोरेमोन के बारे में बात करते हैं। तो डोरेमोन स्टैंड बाय मी में हमें दिखाया गया था कि शिवाशी जब डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़ने गया था, तब नोबिता ने दिया हुआ दोरा केक डोरेमोन ने सबसे पहली बार खाया था। मतलब वो वाला दोरा केक डोरेमोन का सबसे पहला दोरा केक था। लेकिन द बर्थ ऑफ डोरेमोन शॉर्ट फिल्म में हमें दिखाया गया था कि नोरा मिया को, जो कि एक रोबोट डांसर है, उसने डोरेमोन को उसका सबसे पहला दोरा केक खिलाया था अपने टाइम पॉकेट से। टाइम पॉकेट मतलब जैसे डोरेमोन के पास फोर्थ डायमेंशनल पॉकेट है, वैसे ही नोरा मिया को के पास टाइम पॉकेट है, और वो उससे अलग टाइम की चीजें ला सकती है। लेकिन ये सब छोड़ो, हम तो दोरा केक के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ, तो हमें डोरेमोन स्टैंड बाय मी में दिखाया गया था कि डोरेमोन को सबसे पहला दोरा केक नोबिता ने खिलाया, लेकिन द बर्थ ऑफ डोरेमोन में हमें दिखाया गया था कि डोरेमोन को सबसे पहला दोरा केक नोरा मिया को ने खिलाया था। तो ये ऐसा क्यों? इसका आंसर तो क्रिएटर्स को ही पता होगा, क्योंकि फुजी को है, फुजियो तो 1996 में ही चले गए। और मोटियो, वो तो आप लोगों को पता ही होगा वो कौन है। उसी मोटियो को 10 साल की उम्र में लव लेटर्स आ रहे हैं, सिर्फ 10 साल की उम्र में। बड़े होने के बाद तो किसी और ही लेवल में चला जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लड़कियां इसे क्या समझकर लव लेटर्स भेजती है, क्योंकि दिखने में भी इतना कुछ अच्छा नहीं है। इससे सुंदर तो हमारा नोबिता ही है। और डोरेमोन का जो एक एपिसोड है उसका नाम है नोबिता को आई दादी की याद। उस एपिसोड में नोबिता की मॉम को रिंग मिलने के बाद, जब वो शॉपिंग करने के लिए जा रही थी या फिर कहाँ जा रही थी मुझे पता नहीं, तभी जब नोबिता ने डोरेमोन के गैजेट से उनकी रिंग ले ली थी, तब वो तो उनके हाथ से अचानक से गायब हो गई थी ना। तो जब जियान और सुनियो ने बोला था कि नोबिता उनकी रिंग ले रहा था, तो उन्हें नोबिता के ऊपर क्यों गुस्सा आया? क्योंकि रिंग तो एकदम से गायब हो गया था। ऐसे नोबिता तो वहां पर आके उनके हाथ से रिंग लेके नहीं गया था ना, तो उनको नोबिता के ऊपर गुस्सा आया क्यों? इसका तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। और जो डोरेमोन है उस पे बिजली गिरा था जब वो पैदा हुआ था, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि उसके ऊपर बिजली क्यों गिरा था? वो बिजली डोरेमोन में दो बुरे लोगों के कारण गिरा था, और वो दोनों नोबिता डायनासोर वाले मूवी के विलेन भी थे। एक का नाम तो ब्लैक मास्क था और एक का नाम मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करना। और एक चीज कमेंट करना कि क्या आप लोगों को पता है कि डोरेमोन के शरीर का वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन है उसका नाक और उसका पूंछ। अब अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि एक्शन कामैन को अमेरिका में क्या बोलते हैं? अगर नहीं पता है तो सुनो। सो एक्शन कामैन को अमेरिका में बोलते हैं एक्शन बास्टर्ड। और नैनी की मोम को जब गुस्सा आता है तो उसके बाद वो कुछ करती है, वो सीन इंडिया में कट कर दिया जाता है। मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा कि वो एक रैबिट के डॉल को मारती है, लेकिन कुछ महाप्राणियों को ये नहीं पता होगा, इसीलिए एक बार देख ही लो वो कैसे मारती है। देखा वो कैसे मारती है? अगर उस डॉल की जगह आप होते तो कैसा लगता? और डोरेमोन के पुराने गैजेट्स अब रियल लाइफ में बन रहे हैं। जैसे कि डोरेमोन का एक गैजेट था जिससे अलग एंगल से खींची हुई फोटो को आप अलग एंगल में ले आ सकते हैं, और वो एआई से पॉसिबल है।
AI तो आप लोगों को पता ही होगा फोटो को कैसे से कैसा बना सकता है, और भी डोरेमोन के कुछ कुछ गैजेट्स रियल लाइफ में बन चुके हैं, ऐसे डोरेमोन भी रियल लाइफ में बन जाएगा। और बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।